डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन सर्वे टू नाउ टुडे वी आर हियर फॉर यूनिट नंबर टू दैट इज रिगार्डिंग द कर सो दिस इज वन ऑफ द पिक्चर नाउ यू कैन लुक हियर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक रास्ता हमने बनाया है और ये रास्ते में ऐसा टर्निंग है और काफ़ी सुहावना दृश्य हमें यहाँ दिखाई दे रहा है लेकिन जब ऐसा रास्ता है ये बनाने का जो काम है ये काम होता है सबसे पहले सिविल इंजीनियर का और हमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको ऐसे सीधे सीधे रास्ते बनाने को मिलेंगे तो जैसा भी हमको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे पहुंचने का है तो हमें जो रास्ता है उसका कहाँ से जाएगा पहले दैट इज़ कॉल्ड एज अलाइनमेंट तो हमें पहले रास्ते के अलाइनमेंट हमें तय करना होगा ये रास्ते की जो अलाइनमेंट है ये तय करने का या अलाइनमेंट को फिक्स करने का काम ये होता है हमारा सर्वेयर का तो हम लोग सर्वे का जो तो इंस्ट्रूमेंट है उसका इस्तेमाल करके हम लोग रेंजिंग करेंगे तो उससे स्ट्रेट लाइन हम लोग मार कर सकते हैं और फिर इस प्रकार से जो भी आपकी स्ट्रेट रोड अलाइनमेंट होगी वो अलाइनमेंट हम लोग यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर बार आपका रोड एकदम स्ट्रेट फिर ऐसा स्ट्रेट फिर ऐसा स्ट्रेट और इस प्रकार से हम लोग रोड को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते और इसीलिए हमें हर एक रोड के अंदर ऐसे बराबर हमको मोड़ देना होता है यानी हम लोग उसको कहेंगे कर देना होता है यानी रास्ता जो है वो ऐसा मुड़ा हुआ होता है बराबर अब ये मोड़ने वाला जो पार्ट है जितने जो भाग में रास्ता ऐसा मुड़ा होता है तो मराठी में आप उन वणन असा मान दो वड़नदार रास्ता आपला हस्तो कि रास्ते में आपको अलग अलग ऐसे मोड़ आते हैं और देर आर लेफ्ट टर्न और राइट टर्न और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्नस आर देयर इन द रोड सो ये जो काम है ये काम होता है रोड अलाइनमेंट फिक्स करने का उसके लिए सिविल इंजीनियर को काम करना होता है और इसीलिए ये जो कर वाला जो यूनिट है ये हम लोग सर्वे टू में पढ़ने वाले हैं कि जो रोड की अलाइनमेंट होती है रोड के अलाइनमेंट में जितने भी टर्निंग होंगे जितने भी मोड़ होंगे उन मोड़ को किस तरह से मार्क किया जाए क्योंकि पहले हमें मार्क करना पड़ेगा पहले ऐसे बराबर मार्किंग करेंगे तो उसके हिसाब से हमारा रोड का कंस्ट्रक्शन का, का काम बराबर वहाँ से शुरू हो सकता है एंड फॉर दिस पर्पज दिस यूनिट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट दैट वेयर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे फर्स्ट वी आव टू मेक द मार्किंग ऑफ़ द अलाइनमेंट ऑफ द रोड रोड कहाँ कहाँ से जा रहा है उसके हिसाब से पॉइंट हमें मार्क करने होते हैं और हमेशा रोड सीधा स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है लेकिन जहाँ पे भी रास्ते की डायरेक्शन हमको बदलना है वेयर वी आव टू टर्न द डायरेक्शन ऑफ द रोड तो सीधा जा रहे हैं हम लोग फिर हम लोग ऐसा पल लेंगे फिर हम लोग ऐसा जाएंगे सो लाइक वे हमें रोड की डायरेक्शन बदलनी होती है तो जहां भी रोड की डायरेक्शन बदलनी होती है तो आपने कभी देखा है कि इसे रोड की डायरेक्शन एकदम ऐसी और एकदम ऐसी एकदम ऐसी नहीं टर, टर्न हो गई धीरे धीरे टर्न होती डायरेक्शन धीरे धीरे चेंज होती है और ये काम होता है कॉर्ड के वजह से यानी हमें स्ट्रेट रोड अलाइनमेंट के अंदर बीच बीच में कर्ड अलाइनमेंट भी डालनी पड़ती है और जब कर्ड अलाइनमेंट डालनी डालते हैं हम लोग तो इस प्रकार से हमारे रास्ते के मोड़ बराबर बनते हैं और हम लोग रोड का जो है कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो मार्किंग है अलाइनमेंट का वो हम लोग कर सकते हैं और इसीलिए हमें अभी फील्ड वर्क सीखना है यहाँ पे कि किस प्रकार से हम लोग कर मार्किंग करने के लिए क्या कर सकते हैं और यही यूनिट हमें ये सर्वे टू में हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा लेक्चर रहेगा यहाँ पे हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे जैसा कि हम लोग यहाँ पे पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ कर कितने प्रकार के रास्ते में मोड होने वाले हैं या फिर कॉम्पोनेंट्स ऑफ द सिंपल कर तो हम लोग धीरे धीरे जोमेट्रिकल डिजाइन पढ़ेंगे जब भी आपको एक ऐसा कर दिया गया है तो उसकी डिफिने उसकी कर की जो डेफिनाइट जो कर है उसका हमको इक्वेशन पता होता है या सिंपल कर हम लोग बना सकते हैं जिसकी रेडियस फिक्स होती है इस प्रकार से सिंपल कर के कॉम्पोनेंट्स क्या क्या है और जितने भी ऐसे कर है जितने भी रास्ते के मोड़ है उसको हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ कर तो हर एक कर की कितनी डिग्री होती है कितनी डिग्री का मोड़ है आपका ये भी हमें वहाँ पे बताना होता है तो इन सब की जानकारी हम लोग हमारे लेक्चर वन में लेंगे सो इन लेक्चर वन नाउ वी विल लर्न रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ कर कॉम्पोनेंट्स ऑफ द कर ऑफ द सिंपल कर पर्टिकुलरली एंड द डिग्री ऑफ कर नाउ यू कैन वॉच दिस पिक्चर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है दिस इज वन ऑफ द स्ट्रेट अलाइनमेंट यहाँ पे हमारा एक सीधा रास्ता ये बन रहा है हमारा सो so हियर वेन वी टॉक अबाउट द स्ट्रेट अलाइनमेंट सो इट इज़ वेरी सिंपल और ये आपका रास्ता सीधा ऐसा बन गया सो दिस इज स्ट्रेट अलाइनमेंट आगे जा रहा है रास्ता लेकिन यहाँ पे टर्न आ गया ऐसा यानी ये राइट right टर्न आ गया और फिर लेफ्ट टर्न आ गया सो दिस इज डिफरेंट टाइप ऑफ रोड अलाइनमेंट या कहीं कहीं पर रोड पर सिर्फ ऐसा हमारा ऐसा लेफ्ट टर्न है या यहाँ पर हमारा राइट right टर्न है सो so इस प्रकार से हमारा जो रास्ता है अब यहाँ पर आपको दिख रहा है सिंगल लेन यहाँ पे सिंगल लेन दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ पे पहले स्ट्रेट है बाद में कर हो गया और फिर स्ट्रेट हो गया या यहाँ पर तो पूरा मुड़ावदार ऐसा झूल टर्निंग वाला रास्ता है जैसा कि पहाड़ी इलाकों में हमेशा काफ़ी सारे मोड़ आपके रास्ते में होते है तो जैसा ये रास्ता देख रहे हैं आप तो ये रास्ता ऐसा ऊंचाई पे चढ़ते चढ़ते जा रहा है ऐसा बराबर इसी प्रकार से यहाँ पे भी एक बड़ा मोड़ आ गया पहले स्ट्रेट रोड फिर मोड़ आ गया फिर तुरंत दूसरा मोड़ आ गया यहाँ देखेंगे आप तो यहाँ पे हम लोग चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं अलग अलग पहाड़ी पे तो हमारा एक यहाँ से सीधा जाएंगे थोड़ी देर फिर यहाँ से एकदम टर्न आएगा फिर सीधा जाएंगे फिर टर्न आएगा फिर सीधा जाएंगे फिर टर्न आएगा इस प्रकार से हमें पहाड़ी पे चढ़ना होता है या यहाँ पर आपको चढ़ाई भी है और आपका टर्निंग भी है लेफ्ट तरीके से या कभी कभी देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसे स्ट्रेट जा रहे हैं लेकिन हमारा रास्ता ऐसा ऊपर ऊपर जा रहा है यानी चढ़ाव पर चढ़ रहे हैं हम लोग रास्ते पर से या फिर यहां पर कभी स्ट्रेट कभी टर्निंग फिर कभी टर्निंग फिर स्ट्रेट फिर टर्निंग इस प्रकार से तो कोई भी रास्ता बनाने के लिए हमें अलग अलग प्रकार के मोड का इस्तेमाल करना होता है सो वी हैव टू यूज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर इन द रोड अलाइनमेंट एंड फॉर दैट परपज ओनली वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द करज आर सेट फॉर द रोड अलाइनमेंट पर्टिकुलरली तो नाउ इन दिस लेक्चर नाउ वी विल प्रोसीड वन बाय वन एंड वी विल अंडरस्टैंड हाउ दिस कॉर्ज आर सेट इन द रोड नाउ वेन वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ कर इन द रोड अरेइजमेंट कितने प्रकार के कर हो सकते हैं सो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन नाउ आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग वन बाय वन इन दिस यूनिट वी विल लर्न अबाउट दैट सो हियर वेन वी टॉक अबाउट द हाईवे कर तो यहाँ पे दो प्रकार के कर हो सकते हैं हमारे सबसे पहला कर हो सकता है हमारा विच वी कॉल इट एज होरिजेंटल कर तो ये हमारा होरिजेंटल कर होगा पहला इसका मतलब क्या है कि प्लेन इलाका है प्लेन ग्राउंड है और आप एक एक रास्ते से ऐसा रास्ता अपना मोड़ रहा है ऐसा ऐसा सो so, इस प्रकार से जो कर है या जो रोड के अलाइनमेंट है वो एक ही सतल पे है सो so, उसे हम लोग कहेंगे होरिजेंटल कर लेकिन जैसा कि आप लोग यहाँ से देखेंगे समझ लो हमें परतवाड़ा से चिखलदरा जाना है तो चिखलदरा ऊँचाई परतवाड़ा नीचे है तो आपका जो रोड है वो रोड ऐसा ऐसा धीरे धीरे ऊपर चढ़ सकता है कहीं ऊपर चढ़ेगा तो कहीं नीचे भी उतरेगा ऐसा या फिर उसको टर्निंग भी हो सकते हैं और फिर उसकी चढ़ाई भी हो सकती है सो so, सभी प्रकार के ऐसे प्रकार के मिश्रण आपको यहाँ पे दिखाई देंगे लेकिन असल में यहाँ पे कुछ कर जो है जो प्लेन भागों पे रहेगी प्लेन रोड पे रहेगी उसे हम लोग कहेंगे वी विल कॉल इट एज होरियंटल कर और कुछ कर रहेंगे जिसे हम लोग कहेंगे वर्टिकल कर यानी यहाँ पे हम लोग रास्ते के ऊपर चढ़ रहे फिर उतर रहे तो हमारी ऐसी एक कर हो गई या फिर हम लोग ऐसा जाके ऐसा ऊपर चढ़ रहे यानी पहले नीचे उतर रहे फिर ऊपर चढ़ रहे तो आपकी ऐसी वाली एक सो लाइक वे हम लोग टॉप व्यू में देख सकते हैं कि किस प्रकार से रास्ता मुड़ रहा है वर्टिकल कर आपको एलिवेशन में देखना पड़ेगा यानी आप ऐसा चढ़ के ऐसा जा रहे या फिर ऐसा उतर के ऐसा चढ़ रहे सो so, ऐसे प्रकार के जो ये वाला जो पार्ट है कॉर का ये वाला हो गया आपका होरिजेंटल कॉर सॉरी वर्टिकल कर तो ये आपको एलिवेशन में पता चल रहा और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कर हमको टॉप व्यू में पता चलेगी कि किस प्रकार से रोस्ताइ मोड आ रहे हैं सो देर आर टू मेजर कैटेगरीज ऑफ कर हॉरिजॉन्टल कर एंड वर्टिकल कर इसके बाद में फिर हॉरिजॉन्टल कर यदि देखेंगे हम लोग तो जैसा मैंने आपको यहाँ पे पहले बताया वर्टिकल कॉर में उसकी दो कैटेगरी है समित कर और वैली कॉर तो ये ऐसी चढ़ाई में जाके ऊपर वापस आने वाली जो कर है दैट वी आर कॉलिंग इट एज समित कॉर सो हियर वी कैन कैटेगरीली मार्क हियर एज डिफरेंट डिफर सो यहाँ पे हम लोग समित कॉर जो है यानी आपका रास्ता ऐसा ऊपर चढ़ेगा और फिर नीचे आएगा तो so, ये ऊपर का जो भाग है इसको हम लोग समित बोल रहे हैं सो दिस इज समित कॉर और जो वैली कॉर है यानी हम लोग ऐसा आ गए नीचे उतरे और फिर ऊपर चढ़ रहे सो दिस इज वैली कॉर तो वर्टिकल कॉर के दो टाइप हो गए ये तो यहाँ पे जैसी सिचुएशन होगी आपकी उसके हिसाब से आपको पहाड़ के ऊपर चढ़ना है नीचे उतरना है या नीचे उतरना है फिर ऊपर चढ़ना है इस प्रकार से आपकी वर्टिकल कॉर आएगी लेकिन आपका रास्ता सीधा ही रहेगा रोड स्ट्रेट है आपका डायरेक्शन स्ट्रेट है आपके रोड की लेकिन हम लोग नीचे उतर के ऐसा चढ़ रहे या ऊपर उसे तो यहाँ पे हमें कोई अड़चन नहीं है क्योंकि हमारी अलाइनमेंट जो है वो स्ट्रेट अलाइनमेंट है तो वर्टिकल कॉर के मार्किंग के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है क्योंकि लाइन की अलाइनमेंट तो हमारी स्ट्रेट होती है लेकिन होरिजेंटल कॉर में हमें देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो मैं यहाँ से रास्ते से आ रहा हूँ यहाँ पे सो यू कैन वॉच हियर दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द प्लान टॉप यू है हमारे एक रोड अलाइनमेंट का तो यहाँ पे मैं स्ट्रेट आ रहा हूँ यहाँ पे पहले फिर मुझे यहाँ पे टर्निंग आ गई यहाँ पे सो नाउ दिस इज फर्स्ट कौर फिर यहाँ से स्ट्रेट आ गया मैं फिर यहाँ पे सेकंड कॉर फिर यहाँ से स्ट्रेट फिर यहाँ पे कौर आ गया फिर स्ट्रेट रोड आ गया फिर कौर आ गया फिर स्ट्रेट रोड आ गया फिर कौर आ गया फिर स्ट्रेट रोड आ गया फिर बड़ा सा कॉर आ गया ऐसा इतना बड़ा और फिर स्ट्रेट रोड आ गया तो यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है कि जब हमको एक जगह से दूसरी जगह रास्ता ले जाना पड़ेगा तो आपकी अलाइनमेंट जो ये होगी आपका रोड का सेंटर लाइन तो इसके हिसाब से आपका जो चौड़ा रोड है वो ऐसा 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 बराबर इसके ऊपर बनेगा तो कुछ भाग में रास्ता आपका स्ट्रेट होगा और कुछ भाग में रास्ते को आपको ऐसे टर्निंग रहेंगे और फिर ऐसा करते करते पूरा रास्ता का कंस्ट्रक्शन के लिए आपको पहले ये सेंटर अलाइनमेंट ऑफ दिस रोड दैट वी हैव टू मार्क फर्स्ट और यही इंपॉर्टेंट काम है हमारा कि हमें पहले इस प्रकार की जो रोड अलाइनमेंट है इसको हमको पहले मार्क करना पड़ेगा एंड फॉर दैट पर्पस फिर हम लोग ये हमको अलग अलग प्रकार की कर पहले सीखनी पड़ेगी सो वेन एवर वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ए हाईवे रोड सो फर्स्ट वी हैव टू मार्क द अलाइनमेंट एंड अलाइनमेंट आर नॉट ऑलवेज स्ट्रेट so there are different turnings are required and particularly horizontal turnings are required so aise turning ko hum log bolenge horizontal curve lekin ye jo turning hai iske andar bhi do prakar hote hain alag alag so one is that is circular curve and another is here transition curve दो प्रकार के curve होंगे so now we will go into details of that दैट तो सर्कुलर कर तो हमें मालूम है कि इसकी जो रेडियस होती है वो फिक्स रेडियस होती है सो फिक्स रेडियस आर आपका फिक्स है तो आप ऐसा कर बना सकते कंपोज़िट चाप से आप बना सकते सीधा सीधा सो सिंपली सर्कुलर कर एंड ट्रांजिशन कर ट्रांजिशन का मतलब बढ़ना धीरे धीरे या कहीं से तो भी दूसरे इसमें जाना बदलना ट्रांजिशन तो इस प्रकार से यहाँ पे रेडियस जो है वो वेरिंग है आपकी तो ऐसे ऐसा रास्ता टर्निंग या कर जिसकी रेडियस आपकी बदल रही है तो so, ये दो टाइप की कर हमको इस यूनिट में हमको सीखनी है अब ये जो सर्कुलर कर इसके अंदर भी फिर हमको अलग अलग कॉम्पोनेंट देखने को मिलेंगे सो दैट वे फर्स्ट ऑफ ऑल इज वन नंबर वन दैट इज सिंपल कर सो सिंपल कर इज हैविंग ए फिक्स रेडियस तो सीधा सीधा ऐसा इस प्रकार का कर आ गया सिंपल कॉर है, है उसके रेडियस आपको पता है सो दैट इज कॉल्ड ए सिंपल कॉर रिवर्स कर की यदि बात करेंगे हम लोग तो रिवर्स कर में क्या है ऐसा टर्निंग आ गया कि फिर और टर्निंग आ गया दूसरा यानी दो टर्निंग है इसके अंदर तो आपका जो टर्निंग का जो कर है वो पहले ऐसा था और फिर ऐसा हो गया यानी दो टर्न यानी एस टाइप रोड जहां पर भी आ गया एस शेप में मोड आ गए आपके रास्ते पे सो दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स कॉर एंड अनदर इज देन कंपाउंड कर अब कंपाउंड कॉर में ऐसा जो छोटे छोटे सिंपल कॉर या एस कॉर है इसका आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन करना पड़ सकता है सो so, यहाँ पर कभी छोटी कर फिर बड़ी कर फिर एस कर इस प्रकार से हम लोग कॉम्बिनेशन करके जा सकते सो so, वो हो जाएंगे कंपाउंड कर हमारी सो इन द सर्कुलर कर वी विल लर्न रिगार्डिंग द सिंपल कर, रिवर्स कर एंड कंपाउंड कर लेकिन मेजरली यदि सिंपल कर का ही इस्तेमाल एस कर रिवर्स कर में या फिर कंपाउंड कर में होता है तो so, हमें मेनली सिंपल कर यदि मार्क करते आ गई तो रिवर्स कर और कंपाउंड कर का भी मार्किंग हम लोग कर सकते हैं यहां पर फिर दूसरे भी टाइप मैंने जैसा बताया कि आपको होर्जेंटल कर या मोड बनाना है रास्ते में तो सिर्फ सर्कुलर कर से आपका काम नहीं होगा कहीं कहीं जगह पे आपको रेडियस वैरिंग करनी पड़ेगी एंड दैट इज कॉल्ड एस ट्रांजिशन कर सो वी विल इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस यूनिट वी विल लर्न मोर अबाउट ट्रांजिशन कर ऑल्सो अब ये ट्रांजिशन कर जो है इसके भी फिर अलग अलग प्रकार है जैसा कि जो स्पायरल टाइप हो सकता है कॉर हमारी यानी धीरे धीरे ऐसे स्पायरल का शेप लिया लिया बनता है उसमें दूसरा है फिर लैमिन्स्ट ये जो भी कर है ये जैसा सर्कल का इक्वेशन हमारा फिक्स होता है सो दैट वी आर कॉलिंग इट ए सिंपल कॉर रेडियस फिक्स है उसकी वैसा यहाँ पे स्पायरल कर का इक्वेशन अलग होगा यहाँ पे लेमिस्केट का इक्वेशन अलग होगा वो कर का और यहाँ पे क्यूबिक पैराबोला का इक्वेशन यूज करके हमारी कर हम लोग पैराबोला के जैसी बनाएंगे सो इन ट्रांजिशन कर में भी हम लोग अलग अलग टाइप्स के जो कर वो इस्तेमाल कर सकते हैं <coughs> लेकिन यहाँ पे एज ए सर्वेयर नाउ वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट हाउ दिस रोड अलाइनमेंट इज मार्क्ड एंड फॉर दैट पर्पज वी हैव टू मार्क द कर सिंपल सर्कुलर कर वी हैव टू मार्क एंड फॉर दैट ओनली नाउ वी विल लर्न इन दिस यूनिट वन बाय वन रिगार्डिंग द वेरियस टाइप्स ऑफ कर एंड हाउ दे आर मार्क्ड फॉर द रोड अलाइनमेंट सो हियर एज अर्लियर आई हैव एक्सप्लेन इन द डिफरेंट हाईवे प्रोजेक्ट्स एंड अलाइनमेंट वी आव टू मार्क द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर तो जैसा कि मैंने आपको यहां पे बताया अब यहां पे सिंपल कर थोड़ा टेक्निकल ड्राइंग यहां पर बनाया वाला है सो नाउ वी आव टू अंडरस्टैंड दिस यहां पे यदि आपको ये इस प्रकार से यदि कर देनी है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा रास्ता पहले इधर से आ रहा है ऐसा और हमें इधर डायरेक्शन पलटनी है तो यहाँ पे हमको ऐसी टर्निंग देना पड़ेगा अब ये जो टर्निंग है ये टर्निंग के रेडियस जो है वो आपकी फिक्स है तो इसको हम लोग बोलेंगे सिंपल कर अब ये जो सिंपल कॉर है ये जहां से चालू हो रही तो आपकी स्ट्रेट डायरेक्शन कौन सी है ये वाली तो दिस इज अवर रोड डायरेक्शन और फिर मुझे रास्ते का डायरेक्शन बदल के इधर जाना था ये हम लोग व्यू में देख रहे हैं यानी मुझे ऐसा जाना था और फिर ऐसा पलटना था सो दिस टाइप ऑफ डायरेक्शन वी हैव टू चेंज तो मैं एकदम कॉर्नर में जाके ऐसा नहीं जा सकता तो मुझे यहाँ पे सिंपल कर इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी रोड अलाइनमेंट में सो दिस कर रेडियस ट वी आर कॉल्ड इट एज सिंपल कर फिर दूसरे टाइप की कर हमने देखा जो बोला मैंने रिवर्स कर यानी आपका रास्ता जा रहा है सीधा ऐसा ही जा रहा है हम लोग ऐसा ही जाना है हमको लेकिन यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम आ गया तो हमको रोड को थोड़ा सा मोड़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड बराबर नहीं है तो फिर आपको यहाँ पर रास्ते की डायरेक्शन पलटनी पड़ी थोड़ी सी तो हमने यहाँ पर रोड की डायरेक्शन चेंज कर दी तो यहाँ पर एक कर बन गई हमारी जिसकी रेडियस हमारी छोटी सी आ गई और फिर हमने दूसरी कर बनाई जो ऐसी वाली है तो इसकी भी रेडियस अलग आ गई हमारी तो एक कर और दूसरी कर इसका इस्तेमाल करके फिर हमने रास्ते को ऐसा अलाइन किया तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो गया इसकी रेडियस इधर से है इसकी रेडियस इधर से है यानी एक लेफ्ट टर्न है एक राइट right टर्न है तो ऐसा कॉम्बिनेशन हो दिया हो गया तो ये वाली जो कर है यहाँ से लेके यहाँ तक इस यह कर को बोलेंगे हम लोग रिवर्स कर और फिर तीसरे टाइप के कर हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे डायग्राम में जिसको हम लोग बोलेंगे कंपाउंड कर सो so, यहाँ पे अलग अलग रेडियस के कर को एक साथ में किया गया जैसा कि मुझे अभी यहाँ से इधर से मुझे रोड की डायरेक्शन इधर चेंज करनी थी एक्चुअल में तो उसके लिए मैं क्या करूँगा सो so, मैंने यहाँ पे मेरे जो पहला पार्ट है उसके अंदर एक मैंने कर बनाई ए वाली सो so, ये हो गई मेरी कर एक रेडियस मुझे छोटी है आर वन है और फिर मुझे थोड़ा दूर जाना है इधर तो यहां पर उससे मैंने दूसरी कॉर बनाई इसके रेडियस मुझे आर टू है तो यहां पे दो अलग अलग रेडियस का कॉम्बिनेशन मैंने कर लिया सो दिस इज कॉल्ड एज एक्चुअल कॉल्ड एज कंपाउंड अब ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहे सिंपल कॉर यानी जैसा कि फिक्स रेडियस यहाँ पे रिवर्स कॉर यानी पहले लेफ्ट टर्न आ गया और फिर राइट right टर्न आ गया सो दिस इज रिवर्स कॉर और यहाँ पे पहले एक छोटे रेडियस की कर्व है फिर बाद में बड़े रेडियस की कर्व है सो कंपाउंड कर अलग अलग कर्व का कॉम्बिनेशन करेंगे तो कंपाउंड कर सो मेजरली दिस टाइप ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ कर वी आर यूजिंग फॉर होरिएंटल रोड अलाइनमेंट अब ये इनके लिए हमें यहाँ पर धीरे धीरे समझना है किस प्रकार से हम लोग हमारे मार्किंग कर सकते हैं रोड अलाइनमेंट के लिए एक्चुअल फील्ड में तो यहाँ पे आपको एक समझने वाली बात यहाँ पर है कि मेरा जो रास्ता जा रहा है यह रास्ता मेरा हमेशा सीधा नहीं होगा यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यदि यहाँ से स्टार्ट करता हूँ फिर मेरा रास्ता जो है वो पलट रहा है तो मैं पहले ऐसा जाऊँगा फिर मुझे ऐसा जाना है फिर मुझे ऐसा जाना है फिर मुझे ऐसा जाना है फिर मुझे इधर जाना है ये टॉप व्यू में देख रहा हूँ मैं तो मेरा रास्ता इधर से जा रहा है इधर फिर इधर फिर इधर फिर नीचे और फिर इधर यानी ये जो रोड की सेंटर लाइन है ऐसी 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 रहोगी तो हम लोग रोड ऐसा कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे हमें क्या करना पड़ेगा कि यहां से पहले यहां पर एक कर डालना पड़ेगा पहले बीच में सो हियर वी हैव टू मार्क वन कर और फिर यहां पे दूसरी कर आएगी ऐसी फिर यहां पे तीसरी कर आएगी और फिर यहां पे चौथी कर आएगी और इस प्रकार से फिर आपका स्मूथ अलाइनमेंट तैयार हो जाएगी इस ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे सो लाइक वे फॉर स्ट्रेट रोड अलाइनमेंट वी हैव टू मार्क डिफरेंट करोड अलाइनमेंट इधर से आ रहे हैं हम लोग ऐसे और हम हमको रोड के अलाइनमेंट डायरेक्शन बदलनी है अब हमको इधर जाना है ऐसा तो हमको क्या करना पड़ेगा ये वाला कॉर्नर रोड ऐसा और ऐसा नहीं कंस्ट्रक्ट करेंगे हम लोग सीधा और फिर ऐसा डायरेक्ट पलट जाएगा तो पलटाना पड़ेगा उसको डायरेक्शन टर्न देना पड़ेगा तो हमें यहाँ पे एक मोड़ डालना पड़ेगा कर डालनी पड़ेगी तो ये जो कर है ये कर हम लोग यहाँ पे बना रहे सो दिस इज कॉल्ड एज ये ये एक हमारा स्ट्रेट रोड अलाइनमेंट हो गई और अब इसकी डायरेक्शन बदल के दूसरा स्ट्रेट डायरेक्शन हम लोग कर रहे हैं तो आपकी स्ट्रेट डायरेक्शन पहले सीधी जा रही थी ऐसे आगे जा रही थी और आपने उसको इतने एंगल से मोड़ के इधर आपको पलटा दिया डायरेक्शन तो रोड की डायरेक्शन आपको ऐसे जाके ऐसे पलटानी है तो ये जो एंगल है ये हो गया आपका डिफ्लेक्शन एंगल यानी मैं ऐसा जा रहा हूँ तो फिर मुझे इतने डिग्री से एंगल मोड़ के मुझे इधर जाना पड़ रहा है सो इसके लिए इस प्रकार की जो कॉर के अरेंजमेंट है इसको मैथमेटिकली पहले हमको कागज़ पे बराबर डिजाइन कर लेना पड़ेगा पूरे रोड के अलाइनमेंट को और बाद में फिर उसको सर्वे के इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके ग्राउंड पे मार्क करना पड़ेगा तब जाके आपके कर या मोड़ वगैरह की रोड के अलाइनमेंट आपकी बराबर फाइनल हो जाएगी और फॉर दैट पर्पज नाउ वी विल लर्न मोर अबाउट कर इन दिस लेक्चर सो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि ये जो सिंपल कर की हम लोग जब बात कर रहे हैं सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ दिस सिंपल कॉर तो सिंपल कर में हमको सबसे पहले ये डायग्राम हमको समझनी पड़ेगी कि हमें यहाँ पर किस प्रकार से हम लोग ये हमारे सारे जो कॉम्पोनेंट पार्ट्स है उन कॉम्पोनेंट पार्ट्स को हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। so, सो यहाँ पे हमको एक डायग्राम दिखा रहा है दिखाई दे रहा है हम लोग इसके अंदर देखेंगे जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि यहाँ पे हमको जो कर्व है वो कर्व के लिए पहले सबसे पहले तो हमारा यहाँ से रास्ता आ रहा है टाफ्यू में हम लोग बात कर रहे हैं तो ये मेरी रोड की डायरेक्शन हो गई इस डायरेक्शन से और अब मुझे रोड के डायरेक्शन को बदलना है अब मुझे इधर जाना है अब मुझे इधर जाना है तो यहाँ पे मुझे इतना एंगल से टर्निंग देना पड़ेगा यानी मैं पहले ऐसा जा रहा था फिर मुझे ऐसा मुड़ना पड़ेगा तो सीधा जा रहा हूं मैं ऐसा 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 और फिर मुझे ऐसा मुड़ के इधर इधर उधर जाना है तो इस प्रकार से जो रास्ते की डायरेक्शन आपको बदलनी है तो हम लोग यहाँ पे ऐसा डायरेक्ट कॉर्नर नहीं बना सकते यहाँ पे तो हमको यहाँ पे टर्निंग देना पड़ेगा तो इसीलिए जो ये पहले आने वाली जो लाइन है ये एक लाइन हो गई और फिर यहां ये एक दूसरी लाइन हो गई तो ये डायग्राम हम तो कागज पे बना सकते हैं सो दिस इज ज्योमेट्रिकल डिजाइन ऑफ द कर अब इसके अंदर हमको ये तय करना पड़ेगा कि रेडियस कितने लंबाई की कितनी रेडियस चाहिए हमको जो कर है वो मैं यहाँ पे छोटी सी भी दे सकता हूँ यहाँ पे बड़ी भी दे सकता हूँ अब यहाँ पे इतनी बड़ी दिया मैंने तो कितनी बड़ी देना है वो भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा पहले रेडियस को उसके लिए भी हमें पता करना पड़ेगा पहले कि रेडियस कितनी चाहिए अब ये रेडियस के हिसाब से फिर आपको ये लाइन और ये लाइन स्ट्रेट अलाइनमेंट में फिर यहां से आपको ये रेडियस को बनाना पड़ेगा फिर अब ये कागज पे तो हम लोग आसानी से बना लेंगे क्योंकि रेडियस लेंगे और ऐसा चाप में लगा देंगे तो आपकी कर बन गई तो ड्राइंग में रोड के अलाइनमेंट के मैप में आप कर तुरंत प्लाट कर सकते हो लेकिन एक्चुअल में फील्ड में मार्क करना पड़ेगा अपने को और इसीलिए हम लोग सर्वे टू में ये कर पढ़ रहे हैं कि एक्चुअल फील्ड में कर का मार्किंग कैसे करने का अलग अलग मोड जो है रास्ते में आने वाले उसके लिए रोड अलाइनमेंट कैसे मार्क करने के फील्ड पे जाके तो वो सीखने के लिए ही हम लोग इस यूनिट में आगे पढ़ने वाले हैं तो इसके लिए सबसे पहले हमें कॉम्पोन ऑफ द सिंपल कॉर क्या है वो हमको पढ़ना पड़ेगा तो यहाँ पर हम लोग वन बाय वन आगे देखेंगे सो फर्स्ट वी विल दैट इज टर्म इज़ बैक टेंजेंट तो सबसे पहला बैक टेंजेंट का मतलब क्या है कि मैं पहले यहां इस डायरेक्शन से आ रहा हूं तो और अब मुझे इधर पलटना है तो ये जो लाइन है हमारी ये लाइन को हम लोग बोलेंगे बैक टेंजेंट फिर जो आगे जा रहे हैं हम लोग तो यहां से मुझे दूसरी रोड अलाइनमेंट यानी इधर डायरेक्शन देना है मुझे चेंज करना है तो ये हो गया फिर फॉरवर्ड टेंजेंट तो हमें पहले ये अलग अलग जो डायरेक्शंस है वो हमको पहले सारे पता करने पड़ेंगे सो दिस इज कॉल्ड एज बैक टेंजेंट दिस इज कॉल्ड एज बैक टेंजेंट और ये वाला जो है ये हो गया हमारा फॉरवर्ड टेंजेंट सो नाउ दैट वी हैव टू रिमेंबर डिफरेंट कॉम्पोन ऑफ द सिंपल कॉर देन थर्ड इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इट इज डिनोटेड बाय पी आई आई मतलब देखो यहां से ये मेरा फॉरवर्ड टेंजेंट और सॉ बैकवर्ड टेंजेंट और ये फॉरवर्ड टेंजेंट यानी आगे का टेंजेंट ये वाला है तो ये दोनों भी जहां पर मिल रहे सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज पी आई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी जहां पे एक स्टेट अलाइनमेंट दूसरे स्टेट अलाइनमेंट से मिल रही है सो so ये जो कॉर्नर है दैट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देन थर्ड इज पॉइंट ऑफ कर यानी जहां से कर शुरू होती है तो कर हमारी शुरू कहां से हो रही है यहां से हो रही है इस केस में अभी हमारे पास तो so ये जो पॉइंट है हमारा ये वाला जो पॉइंट है यहां से कर स्टार्ट हो रही है सो वेयर द कर स्टार्ट दैट पॉइंट इज डिनोटेड बाय T1 इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट पॉइंट टेंट सो T1 वन दैट इज द पॉइंट और इसको बोलेंगे हम लोग पी सी पॉइंट ऑफ कॉर तो स्टार्ट पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉर इसी प्रकार से जो आखिरी का पॉइंट है हमारा यानी यहां से कर शुरू हो गई यहां पे जाके खत्म हो गई तो ये जो पॉइंट है ये हो गया T2 टू एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ टेंजेंसी PT टी सो जहां कर खत्म होती है दैट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और जहां पे कर स्टार्ट होती है दैट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ कर देन अनदर इज इंटरसेक्शन एंगल अब यहां पे ये स्ट्रेट अलाइनमेंट मेरी जो थी यहां से ये वाली ये स्ट्रेट अलाइनमेंट मेरी यहां से इधर पलट रही है तो यहाँ पे मेरा जो इंटरसेक्शन का एंगल है वो एक तो मुझे अंदर का एंगल पता होगा कितने डिग्री से या फिर मुझे बाहर का एंगल पता होगा कितने डिग्री से सो so, अंदर का एंगल हो गया अपना इंटरसेक्शन एंगल और ये बाहर का एंगल हो गया ये हो गया डिफ्लेक्शन एंगल यानी हम लोग पहले इधर जा रहे थे और इतने डिग्री से आपकी डायरेक्शन डिफ्लेक्ट हो गई और अब इधर जा रहे हैं सो दिस डायरेक्शन इज डिफ्लेक्टेड बाय डेल्टा एंगल कैपिटल डेल्टा सो डेल्टा इज कॉल्ड एज डिफ्लेक्शन एंगल हियर delta is called as deflection angle and here this internal angle ye humko pata ho sakta hai pehle so forward tangent and backward tangent yahan pe hamara ye jo angle hai that is called as delta that we term it as a delta capital delta deflection angle। यानी पहले मैं straight जा रहा था अब मुझे इधर पलटना है तो कितने degree से मैंने angle बदला मेरा ऐसा वो एंगल जो है यानी यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये मेरी स्ट्रेट अलाइनमेंट है और अब मुझे यहाँ से इधर जाना है तो इतने एंगल से इतनी डिग्री से मेरी डायरेक्शन चेंज हो गई मैं पहले इधर जा रहा था ऐसा लेकिन अब मुझे इधर जाना है तो रोड की डायरेक्शन जितने एंगल से हम लोग चेंज कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज डिफ्लेक्शन एंगल तो ये आपको डिफ्लेक्शन एंगल ख्याल रखना पड़ेगा डेफिनेशन देन अनदर इज दैट इज टर्म एज टेंजेंट डिस्टेंस जेंट डिस्टेंस मीन डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ कर टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी यह पॉइंट से यहां तक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक तो so, यह जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक दैट डिस्टेंस वी विल कॉल इट एज टेंजेंट डिस्टेंस टेंजेंट डिस्टेंस तो यह भी एक टेंजेंट डिस्टेंस हो गया और यह भी एक टेंजेंट डिस्टेंस हो गया डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट यानी distance from point of curve to point of intersection or from point of intersection to point of tangency. So, both these distances, this distance is also called as tangent distance and this is also called as tangent distance. Now, here there are some other points are there. So, already we have seen back tangent, forward tangent, point of intersection, point of curve, point of tangency, then intersection angle, deflection angle and tangent distance. now there are more some concepts are there regarding the simple curve so that is called as first is external distance external distance it is denoted by e to yahan pe aap dekhenge ki ye jo mere curve hai is prakar se curve hai actually लेकिन मेरा intersection का point यहाँ पे था मुझे road की direction यहाँ से जाके मैंने इधर ऐसी पलटना है तो so, ये जो intersection point है हमारा it is denoted by v. तो so, v से लेके ये कर तक का जो distance है ये डिस्टेंस सो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज ई यानी एक्सटर्नल डिस्टेंस यानी कर के बाहर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक का जो दूरी है दैट इज डिनोटेड बाय ई सो दैट इज एक्सटर्नल डिस्टेंस देन इम्पॉर्टेंट इज लेंथ ऑफ कर ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि हमारी कर की लेंथ कितनी है तो ये जो आर्क है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो आर्क है ये आर्क की हमको लंबाई मालूम चाहिए एंड दैट इज डिनोटेड बाय दिस एल तो यहां पे मैंने लंबाई लाल से कलर से मार्क कर दी सो दैट इज कॉल्ड एज लेंथ ऑफ कर यानी कर की लंबाई यहां से यहां तक अब ये कर का स्टार्टिंग का पॉइंट है टी वन और एंड का पॉइंट है मेरा टी टू तो ये जो दोनों पॉइंट है इसमें का जो स्ट्रेट डिस्टेंस मैं यदि लेता हूं स्ट्रेट डिस्टेंस सो दिस स्ट्रेट डिस्टेंस दिस इज लॉन्ग कार्ड दिस इज कॉल्ड एज लॉन्ग कार्ड तो यहां से लेके ये वाला जो डिस्टेंस है पूरा पॉइंट ऑफ कॉर से लेके पॉइंट ऑफ टेंजेंसी तक यानी जहां हो रही जहां खत्म हो रही उसमें का स्ट्रेट ओरिजेंटल डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड एज लॉन्ग कार्ड सो दैट वीव टू अगेन रिमेंबर दिस इज लॉन्ग कार्ड टी वन से लेकर डिस्टेंस स्ट्रेट डिस्टेंस देन मिड ऑर्डिनेट अब यहाँ पे देखो ये हो गया आपका लॉन्ग कॉर्ड यहाँ से यहाँ तक का और हमारी कर जा रही है ऐसी तो इसका मतलब क्या है कि सबसे बीच में ये ये जो स्ट्रेट लाइन थी ये इतनी ऊंची हो गई बराबर है ने कर बन गया यहाँ पे तो ये बीच वाले पॉइंट को आपने इतना उठाया तो ये रोड आपका ऐसा कर अलाइनमेंट में बदल सकता है सो दिस हाइट ऑफ देश लॉन्ग कार्ट से लेके तो मिड पॉइंट तक कर के मिड पॉइंट तक का ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलेंगे एम यानी दिस इज मिड ऑर्डिनेट तो बाहर का डिस्टेंस हो गया एक्सटर्नल डिस्टेंस और जो अंदर का डिस्टेंस हो गया वो हो गया मिड ऑर्डिनेट तो लॉन्ग कार्ड से लेके कॉर के सेंटर तक का डिस्टेंस सो दैट इज कॉल्ड एज मिड ऑर्डिनेट बिकॉज मिड शब्द का मतलब ये मध्य बिंदु से कॉर के मध्य बिंदु से लॉन्ग कार्ड के मध्य बिंदु तक की दूरी दैट इज कॉल्ड एज लॉन्ग कार्ड मिड ऑर्डिनेट देन अनदर इज नॉर्मल कार्ड सब कार्ड

तो आपको ये जो कर भी है सी गिननी है तो कर गिनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पहले तीस मीटर का स्ट्रेट डिस्टेंस फिर तीस मीटर का फिर तीस मीटर का फिर तीस मीटर का फिर तीस 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 का या आखिरी का जो भी कुछ कम ज्यादा बचेगा तो इस प्रकार से एक कर की लंबाई को हम लोग अलग अलग भागों में बांट सकते हैं और एक एक पार्ट हमारा तीस तीस मीटर का होगा यानी जितने आपके लंबाई है चेन की या फिर टेप की तो बीस मीटर का या फिर तीस मीटर का टेप इस्तेमाल कर सकते हैं आप तो वो जो एक एक पार्ट है ये जो छोटा छोटा पार्ट है स्ट्रेट स्ट्रेट गिनने का उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल कॉर्ड यानी नॉर्मल कॉर्ड आपका हमेशा 30 मीटर और 20 मीटर का होगा नॉर्मल कॉर्ड हमारा जितनी चेन की लंबाई होती है 30 मीटर की चेन या फिर 20 मीटर की चेन 30 मीटर का टेप या फिर 20 मीटर का टेप सो दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल कॉर्ड अब हमेशा पूरी कर की लंबाई आपके टेप से भरेंगे नहीं कुछ ना कुछ डिस्टेंस आपका बचने वाला है कम ज़्यादा तो जो नॉर्मल कार्ड से जिसका डिस्टेंस कम है उसको हम लोग बोलेंगे सब कार्ड यानी हर तीस तीस मीटर के बाद में जो आखिरी का या शुरू का कम ज़्यादा बचेगा वो जो छोटा डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज सब कार्ड तो ये हमको नॉर्मल कार्ड और सब कार्ड हम लोग आगे और देखने वाले जब कर का मार्किंग सीखेंगे हम लोग तो तब हमको वहाँ पे देखना है और इसी प्रकार से फिर राइट हैंड कर और लेफ्ट हैंड कर ये भी हमको पता होनी चाहिए पहले यानी मैं ऐसा सीधा जा रहा हूँ तो मुझे अभी राइट टर्न मोड मोड लेना है कि मुझे लेफ्ट टर्न मोड लेना है जैसा कि ये डायग्राम में आप देख रहे हैं तो मैं पहले इधर सीधा जा रहा हूँ ऐसा और फिर मुझे यहाँ से अब इधर जाना है तो स्ट्रेट जाने के बाद में मैंने राइट टर्न लिया यहाँ पे और राइट टर्न लेके फिर मैं इधर गया तो ये जो डायग्राम बनाई मैंने कॉर की ये वाली हो गई राइट टर्न कॉर की डायग्राम यदि लेफ्ट टर्न की होगी तो मैं इधर से आने वाला हूँ और फिर इधर जाने वाला हूँ तो ऐसी कर बनेंगी कॉर वैसी डायग्राम वैसी बनेगी सो दैट अगेन यू होव टू अंडरस्टैंड सो हियर फ्रॉम दिस दिज आर द डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ द सिंपल कॉर इसके अलग अलग प्रकार की डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है और इन्हीं कंसेप्ट को इस्तेमाल करके हमको हमारे जो कर है इसकी डिज़ाइन हमको करना है सो फॉर दिस वी विल लर्न सम इम्पॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग द कर अब जो भी कर हम लोग दे रहे हैं तो ये कर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपको पहले कर के रेडियस मालूम होनी चाहिए कि कितनी बड़ी कर कैसी देना है और रेडियस कैसे तय करेंगे हम लोग तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा जब आप ट्रांसपोर्टेशन सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे वहां पर पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कर यानी रास्ते के जो मोड़ है उसकी डिग्री कितनी है यानी कितनी डिग्री का कर आपको देना है सो कर हम लोग गिनेंगे तो कितना कर्वेचर है उसको डिग्री पे से पता चलेगा डिग्री ऑफ कौर पे से पता चलेगा तो डिग्री ऑफ कॉर जो है ये कर का कितना मोड़ है इसको दर्शाता है सो फॉर दैट पर्पज वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड वॉट इज डिग्री ऑफ कॉर अब तो सिर्फ डिग्री ऑफ कॉर पता होने से हमारा काम होने वाला नहीं है तो हमको ये भी पता करना पड़ेगा कि डिग्री ऑफ कर और आपका रेडियस इसका क्या रिलेशन है तो जब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में जब हाईवे का डिज़ाइन करते हैं तो जनरली वहाँ पर हमें स्ट्रेट अलाइनमेंट फिर स्ट्रेट अलाइनमेंट फिर स्टेट अलाइनमेंट इसके अंदर आपको यदि कर देना है मोड़ देना है अलग अलग तो कितने डिग्री का कर देना है ये आपको बताया जाएगा पहले कि डिग चार डिग्री का पांच डिग्री का दस डिग्री का बीस डिग्री का कर तो वो एंगल देने के बाद में फिर आपको वो डिग्री पे से पता करना पड़ेगा कि यहां पे कितनी रेडियस की कर आपको देनी पड़ेगी सो योर फर्स्ट शुड नो यू शुड नो डिग्री ऑफ कर और उससे आप रेडियस निकाल सकते फिर और वो रेडियस के हिसाब से फिर हमारा सर्वे का काम शुरू हो जाएगा कि इतने रेडियस की कर हमको प्लॉट करना है फील्ड में जाके मार्क करना है सो फॉर दैट पर्पज वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ कर सो नो वेन वी टॉक अबाउट द डिग्री ऑफ कॉर सो देर आर टू डिफरेंट डेफिनेशन आर देयर सो फर्स्ट डेफिनेशन दैट इज देंट्रल एंगल ऑफ द कॉर दैट इज सब्टेंडेड बाय द आर्क ऑफ हंड्रेड फीट लेंथ दैट इज फर्स्ट डेफिनेशन यानि हमारा जो कॉर है ये कॉर के अंदर यहां से यहां तक की जो दूरी है जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं so सो ये जो दूरी है हमारी ये दूरी है हमारी हंड्रेड फीट की या आप हंड्रेड मीटर बोलिए या हंड्रेड यूनिट बोलिए वट इज वट द यूनिट सो फॉर हंड्रेड यूनिट लेंथ वट इज द एंगल दिस एंगल डिग्री तो आपकी ये जो कर है P से लेके Q तक स्टार्ट पॉइंट उसका P है एंड पॉइंट आपका Q है और यहाँ से यहाँ तक की जो कर की लंबाई है वो आपकी है हंड्रेड हंड्रेड यूनिट बोलो या हंड्रेड मीटर बोलो सो so, यहाँ से ये यह जो आपकी रेडियस है आर्क इतने रेडियस का आर्क आपने घुमाया तो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन ये रोड का सेंटर हो गया आपका कर्व का सेंटर हो गया तो यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन इसके बीच में आपका जो एंगल बन रहा है दैट एंगल इज कॉल्ड एज डी सो एज पर द डिग्री ऑफ कर्व इज डिफाइंड एज द सेंट्रल एंगल यानी यहाँ ये वाला सेंटर पॉइंट पे बनने वाला एंगल दैट इज सबेंडेड बाय द आर्क ऑफ हंड्रेड फीट यानी ये हंड्रेड फीट के आर्क के हिसाब से जो आपका ये सेंटर पॉइंट में जो एंगल बन रहा है दिस सेंट्रल एंगल इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ कॉर सो दैट इज फर्स्ट डेफिनेशन सेकंड डेफिनेशन इसके अंदर है दैट इज कॉल्ड एज कॉर्ड डेफिनेशन यानी यहां पर क्या हो रहा है कि आपका ये पी पॉइंट से कर शुरू हो रही है क्यू पॉइंट तक जा रही है और यहां से यहां तक की स्ट्रेट दूरी जो है आपकी दिस इज कॉल्ड एज कॉर्ड स्ट्रेट डिस्टेंस को कॉर्ड बोलेंगे और जो कर है उसको लेंथ ऑफ कर बोलेंगे तो यहाँ पे हमारा यहाँ से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये स्ट्रेट डिस्टेंस है सौ यूनिट का सौ फीट बोलो या सौ मीटर बोलो और सौ यूनिट बोलो तो फिर आपका ये सेंटर पॉइंट है ओ तो यहां पे एक लाइन हो गई और यहां से आपने ऐसी कर बनाई लेकिन पी और क्यू में का स्ट्रेट डिस्टेंस आपने 100 लिया तो ये आपका दूसरी लाइन हो गई तो यहां पर का जो सेंट्रल एंगल बन गया आपका ये हो गया डी सो अकॉर्डिंग टू द कर डेफिनेशन डिग्री ऑफ कॉर इज डिफाइंड एज द सेंट्रल एंगल यानी यहां पे भी सेंट्रल एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग दैट इज सब्टेंडेड बाय कार्ड ऑफ हंड्रेड फीट लेंथ यानी सौ फीट का कार्ड आने के लिए कितना एंगल लेना पड़ेगा आपको दैट एंगल इज कॉल्ड एज डी डिग्री ऑफ कॉर सो डिग्री ऑफ कॉर के यहाँ पे दो डिफिनेशन हमको यहाँ देखना है सो हियर सपोज वी ड्रा सर्कल तो सर्कल में हमारा क्या होता है हमने ऐसा एक पार्ट यदि बनाया सर्कल का तो ये उसका एक आर्क हो गया अब ये जो आर्क है इसकी हमारी कोई तो भी एक सेंटर होता है और हमारी उसके हिसाब से फिर ये हमारी होती है रेडियस और ये सेंटर होता है हमारा ओ तो ये जो है ये हमारी एक सिंपल कर हो गई जिसकी सेंटर हमको पता है और रेडियस हमको पता है अब यहाँ पे ये कर को हम लोग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं यदि आपने यहाँ से यहाँ तक का तीस लंबाई ले ली कर की लंबाई सो फॉर थर्टी मीटर कर लेंथ तो आपका एक रे और बन जाएगा यहाँ पे फिर तीस मीटर के लिए और एक बनेगा 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 तो हर बार आपके आर्क की लंबाई कितनी है तीस 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 तो ये जो एंगल बन रहा है आपके ये हो गया आपका डिग्री आप कॉर यानी ये हो गया आर्क डेफिनेशन आपकी सो फॉर दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट हाउ दिस डिग्री ऑफ कॉर इज डिफाइंड अगेन तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि वह डिग्री ऑफ कॉर यदि आर्क डेफिनेशन से हम लोग निकालते हैं तो कितनी आएगी जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि ये जो पी पॉइंट है मेरा ये पी पॉइंट है मेरा स्टार्ट पॉइंट सो हियर ये मेरा पी पॉइंट है और ये मेरा क्यू पॉइंट है और मुझे यहाँ से यहाँ तक का आर्क बनानी ऐसा तो ये आर्क की जो लंबाई हो गई ये हो गई मेरी हंड्रेड और उसके हिसाब से मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक का ये रे हो गए और ये हो गया आपका सेंटर पॉइंट ओ तो ये हो होगी रेडियस मेरी ये हो गई रेडियस और ये पॉइंट हो गया पी और ये पॉइंट हो गया क्यू और ये आर्क की लंबाई मेरी सौ यूनिट हो गई सो इन दिस के इन दिस वे वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये इस पर से हम लोग एक डेरीवेशन लिख सकते हैं सो हाउ दैट कैन बी पॉसिबल तो ये आप देख लीजिए तो हमको क्या करना पड़ेगा अब आपको यह ख्याल रखना है कि यदि हम लोग एक सर्कल बनाते पूरा वन सर्कल तो एक सर्कल का पूरा एंगल कितना होता है 360 डिग्री का तो 360 डिग्री के लिए सर्कल का जो कर है, उसका हमारा लंबाई हमको मालूम है वो कर पेरीमीटर उसका कितना होता है पूरा दैट इज टू पा तो हमको यह मालूम है कि यदि आपका एंगल जो है वो 360 डिग्री का रहेगा सो हियर सपोज एंगल इज थ्री सिक्सटी डिग्री तो उसके लिए हमारा पेरीमीटर यानी आर की लंबाई कितनी होगी टू पाई आर ये हमको मालूम है तीन सौ साठ डिग्री का मुझे कर बनाना है तो मेरा डिस्टेंस होता है कॉर की लंबाई यानी पेरीमीटर ऑफ द सर्कल दैट इज़ टू पाई आर तो अब हमारे आर्क डेफिनेशन के हिसाब से हम इक्वेट करेंगे तो हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये एंगल कितना है यानी डिग्री ऑफ कॉर कितनी है डी तो डिग्री के लिए हमारा डिग्री जो है डी डिग्री के लिए हमारे के लिए हमारे लिए यहाँ पर कितना रहेगा तो वो होगा हंड्रेड क्योंकि ये हमारी कोर की लंबाई है हंड्रेड हमारी तो तीन सौ साठ डिग्री के लिए टू पाई आर की लंबाई होती है कोर की तो डी डिग्री के लिए हंड्रेड होती है तो इस प्रकार से हम लोग यदि इसको इक्वेट करेंगे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा सो नाउ दिस थ्री थर्टी दिस विल गेट कैंसल सो दिट इज वन एटी सो वन एटी बाय पाय और ये हंड्रेड इधर चले जाएगा यहाँ पे एंड If we solve this, तो यहाँ पे पाए आ गया यहाँ पे ये यह हंड्रेड आ गया सो तो ये हो जाएगा वन एटी इंटू हंड्रेड डिवाइडेड बाय पाए एंड डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू डी और यदि हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो यदि आप आर निकालना है तो या डिग्री निकालना है तो हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसको सो so हीयर यदि हम लोग यहाँ से आर निकालेंगे तो आर हो जाएगा हमारा फाइव सेवन थ्री जीरो डिवाइडेड बाय डी डिग्री या फिर डिग्री ऑफ कॉर निकालना है तो डी डिग्री इज इक्वल टू फाइव सेवन थ्री जीरो डिवाइडेड बाय आर सो लाइक वे दिस इज द वन इक्वेशन दैट डिग्री ऑफ कॉर निकालना है तो फाइव सेवन थ्री जीरो डिवाइडेड बाय आर ये हमारा फार्मूला बनता है सो दिस फार्मूला इज परटेनिंग टू एक्चुअली हियर आर्क डेफिनेशन वी है लेकिन यहाँ पे हमने यूनिट जो है वो अभी कंसीडर नहीं किया है तो हम लोग यदि मेट्रिक डिग्री ऑफ कॉर निकालना चाहते हैं सो हियर सो व्हाट इज हैपन सो यहाँ पे हम लोग ऐसा करेंगे कि हमारे कंपेयर करेंगे 20 मीटर के आर्क के डेफिनेशन के हिसाब से यानी मेरा आर्क जो है वो बीस मीटर का है सो व्हाट आई विल डू हियर तो 360 डिग्री के लिए मेरे कर की लंबाई होती है टू पाए आर तो डी डिग्री के लिए डी डिग्री के लिए मेरी आर की लंबाई हो जाएंगी 20 यदि 20 मीटर का मैं टेप या चेन इस्तेमाल करता हूँ तो मैं यदि इसको सॉल्व करता हूँ तो डी डिग्री इज इक्वल टू यहाँ पर फिर से वन हो जाएगा ये और वन एटी इन और उसको डिवाइड बाय पाए करना पड़ेगा तो यू विल गेट आर इज इक्वल टू वन वन फोर सिक्स डिवाइडेड बाय डी डिग्री या फिर हम लोग बोल सकते हैं डी डिग्री इज इक्वल टू वन वन फोर सिक्स डिवाइडेड बाय आर तो ये हमारी अलग डेफिनेशन हो गई दिस इज एक्चुअली द मेट्रिक डेफिनेशन तो बीस मीटर के मेट्रिक टेप के हिसाब से यदि हम लोग चलेंगे कि आर्क लेंथ हमारी बीस मीटर की है तो हमको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा डिग्री ऑफ कॉर इज वन वन फोर सिक्स डिवाइड डिवाइड बाय आर सो लाइक वे फॉर गिवन आर्क रेडियस यू कैन डिफाइन द फार्मूला फॉर डिग्री ऑफ कॉर तो यहाँ पे हमने दो फार्मूले डिग्री ऑफ कॉर के लिए डिलाइव किए तो पर्टिकुलरली हम लोग आर इज इक्ल वन वन फोर सिक्स डी डिग्री ये वाला फार्मूला यूज़ करते या फिर डी इज इक्वल वन वन फोर सिक्स डिवाइडेड बाय आर सो दिस इज फॉर एज पर द ट्वेंटी मीटर आर्क लेंथ उसके हिसाब से सो आर्क लेंथ में हमारा फार्मूला हमने डिलाईव कर लिया हाउ वी कैन कैलकुलेट द डिग्री ऑफ कॉर इफ रेडियस इज नोन सिमिलरली हम लोग यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन जो है हमारी काट डेफिनेशन उसका भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सो कॉड डेफिनेशन में हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो हम लोग यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं बराबर सो हियर सपोज दिस इज आवर डिस्टेंस पॉइंट पी और ये क्यू है और ये स्ट्रेट डिस्टेंस मेरा यहाँ पर है हंड्रेड का यानी पचास इधर का और पचास इधर का और ये मेरी एक्चुअली कर है और यहाँ से यहाँ तक का मुझे जो सेंटर पॉइंट मिल गया ओ तो मेरी ये रेडियस है आर और ये रेडियस है आर अब मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना सकता हूँ ऐसे तो मेरा ये राइट एंगल ट्रैंगल तैयार हो गया अब ये राइट एंगल ट्रैंगल में यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है मेरी पचास और ये है मेरा आर और ये इतना जो एंगल है पूरा ये हो गया मेरा डी डिग्री का तो आधा एंगल कितना हो जाएगा मेरा ये हो जाएगा डी बाय टू और इधर का भी एंगल हो जाएगा डी बाय टू तो अब हमको ये राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग यहां पे कंसीडर करेंगे यहां पे हम लोग दिस दिस एंड दिस ये राइट एंगल कंसीडर करेंगे सो दिस इज राइट एंगल ये हो गया पचास ये हो गया आर और ये बेस हो गया आपका और एंगल हो गया डी बाय टू का नाउ इन दिस ट्रायंगल यदि हम लोग डी 2 टू का साइन लेते हैं सो व्हाट यू विल गेट सो हियर साइन डी बाय टू यानी डी डिग्री बाय टू इसका साइन यदि है लेते हैं हम लोग तो हमको यहां पे मिलेगा 50 डिवाइडेड बाय आर सो हियर यू कैन से दैट आर इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय साइन डी बाय टू सो लाइक वे हम लोग यहां पर भी डिग्री ऑफ करो और रेडियस इसमें की डेफिनेशन डिजाइन कर सकते हैं एंड वी कैन कैलकुलेट तो कहने का मतलब ये है कि ये जो फार्मूला है इनका इस्तेमाल करके यदि आपको रेडियस दिए तो आप डिग्री ऑफ करो निकाल सकते या यदि डिग्री ऑफ कॉर दिए है तो आपको रेडियस निकाल सकते हैं सो दैट वे वी कैन कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द कॉर आइदर और डिग्री ऑफ कॉर सो फॉर दिस दिस डेफिनेशन इज ऑल्सो यूजफुल नाउ इन दिस लेक्चर अपिल नाउ वट एवर वी हैव लर्न सो ये सारे क्वेश्चन उसके ऊपर आ सकते हैं आपको इस यूनिट पे सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉर हमने देखा अलग अलग देन वट गिव द डेफिनेशन ऑफ द कॉर एलिमेंट्स तो अलग अलग डेफिनेशन जो है उसकी डेफिनेशन भी अलग अलग पूछी जा सकती है एलिमेंट्स ऑफ कॉर के एंड देन वॉट इज द डिग्री ऑफ कॉर दैट ऑल्सो वी आर लर्न एंड देन डिफरेंशिएट बिटवीन द आर्क डेफिनेशन एंड द कॉ डेफिनेशन सो दिस इज द टॉपिक वी आर लर्न इन लेसन नंबर वन एंड नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर नाउ वी विल लर्न रिगार्डिंग द एलिमेंट्स ऑफ सिंपल कॉर इन डिटेल अगेन देन देयर आर एंड देयर मेथड ऑफ सेटिंग आउट द सिंपल कॉर बाय लोकेटिंग द टेंजेंट सो Here we will stop for this lecture number one. Thank you for watching this lecture series.